हो okay, गया शुरु sure. नमस्कार वेलकम आप सभी का स्वागत है आज इस स्ट्रीमिंग सेशन में जिसमें मैं आपको मिनोक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड जो मुख्य दो दवाइयां होती हैं हेयर लॉस के लिए उसके संबंध में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब अपन थोड़ा सा एक बैकग्राउंड लेंगे कि पैटर्न हेयर लॉस क्या होता है क्यों होता है और उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे कि हमें पता लगे हम समझें कि हम क्या कर रहे हैं देखिएगा कि पैटर्न हेयर लॉस जो है अधिकांश 40 साल से ज्यादा उम्र में के लोगों में 90 परसेंट लोगों में इसका प्रारंभ हो जाता है और इसका जो लक्षण है इसके जो सिम्टम्स है साइन है उसमें बालों का पतला होना होता है बा ये बाल के पतला हो गया पुरुष का ये फीमेल्स का है, फीमेल्स का वॉल्ट के ऊपर हेयर लॉस शुरू हो जाता है थिनिंग होती है एग्जामिनेशन में हमारे को मैं क्या मिलता है सबसे कॉमन जो कंप्लेंट होती है इसमें पेशेंट की पेशेंट ये कहता है कि भाई मेरे बाल पतले हो गए सबसे महत्वपूर्ण है बालों का पतलापन होना ये जो फ्रंटो तो टेम्पोरल एरिया है ये पीछे की तरफ चले जाते हैं और धीरे धीरे बाल पतले होने लगते हैं पुरुष महिलाओं में भी टॉप पे बालों का पतला होना एक मुख्य लक्षण होता है अब ये जो एजी है मेल और फीमेल दोनों में होता है और इसके अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों किए जाते हैं ये आप जो रिज़ल्ट देख रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के और ये हेयर ट्रांसप्लांट के मेडिकल ट्रीटमेंट क्या करता है बालों के पतलेपन को वापस रिवर्ट करता, करता है और बेहतर करता है और हेयर ट्रांसप्लांट अपन कब करते हैं जब गंजापन आ जाता है वेन देर इज अ बाल्डनेस तब हम उसके ऊपर क्या करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं जैसे इसमें है ये गंजा हिस्सा हो गया तो इस पर हमने बाल लगा दिए स्किन को अब आता है इंपॉर्टेंट मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है हेयर ट्रांसप्लांट डज नॉट अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्यों आवश्यक है हम डायरेक्ट ट्रांसप्लांट करा ले तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है आपके कमज़ोर बालों को अच्छा करता है हेयर hey, ट्रांसप्लांट गंजे हिस्से में हम बाल लगाते हैं जहाँ पर बालों की जड़ें मर गई है दूसरा हेयर ट्रांसप्लांट में आप कितने भी करवा लो वो सेम नंबर ऑफ जो बाल होते हैं उसको रिप्लेस नहीं करता यहाँ से लेके यहाँ तक करीब तीस हज़ार जड़ें होती है और इन तीस हजार जड़ों को आप हेयर ट्रांसप्लांट से रिप्लेस नहीं कर सकते इसलिए जो भी बालों की जड़ें आपको बच रही है पतली हो गई है कमज़ोर हो गई है उनको आप अच्छा करिए मेडिकल ट्रीटमेंट से और जो जड़े मर गई है वहां पर हेयर ट्रांसप्लांट आप ये देखिएगा मेडिकल ट्रीटमेंट का भी इतना अच्छा रिजल्ट आता है यदि आप डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको हर हालत में आपको बहुत बेहतर बेहतर परिणाम मिलते ये भी मेडिकल ट्रीट आप देखिएगा कितने पतले बाल हैं कितने एरिए में इतने पतले बाल हैं और ट्रांसप्लांट के बाद में बिल्कुल सिर भरा हुआ लगता है क्योंकि इसमें बाल मोटे हो गए बाल पतले अब इसको आप ऐसे समझिए मान लो दो बाल है एक बाल और दो बाल नॉर्मल थिकनेस है लेकिन एंडोजेनेटिक एलोपेशिया के कारण ये पतले हो जाएंगे और ये गैप बढ़ जाएगा जैसा कि यहाँ पर हुआ है जब जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये वापस मोटे हो जाते हैं मीन्स रिवर्सल ऑफ मिनीचराइजेशन हो जाता है अब होता है मिनीचराइजेशन एक इम्पॉर्टेंट साइन है मिनीचराइजेशन मीन्स थिनिंग ऑफ हेयर ये आप बाल देख रहे हैं नॉर्मल है डीएसटी के इफेक्ट से पतला होता है छोटा होता है बारीक होता है और डिसअपियर हो जाता है इसमें बाल की डिफरेंट हेट्रोजिनस सोसाइटी इसको बोलते हैं जिसके अंदर कोई बाल मोटा है कोई पतला है कोई पतला है, कोई पतला है ये इसका इंपॉर्टेंट साइन है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अब ये जो पैटर्न हेयर लॉस है मेल में पैटर्न हेयर लॉस होता है कि ये फ्रंटो टेम्पोरल एरिया डीप हो जाते हैं जबकि फीमेल पे टॉप पे थिनिंग हो जाती है ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है मेल में मेल पैटर्न हेयर लॉस के डिफरेंट ग्रेड्स है जिनको नॉर्वुड ग्रेड बोलते हैं अब अब हम डायरेक्टली आते हैं कि भाई यू एस एफ डी अप्रूव ट्रीटमेंट मेल पैटर्न हेयर लॉस का क्या है वो ट्रीटमेंट क्या होता है उसमें दो मुख्य चीज़ें हैं पुरुष के लिए मिनोक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड है और महिलाओं के लिए सिर्फ मिनोक्सिडिल बताया गया है जो कि यू एस एफ डी अप्रूव ट्रीटमेंट है इसके अलावा यदि किसी में वाइटामिन की डेफिशेंसी है कोई अन्य बीमारी है थायराइड की बीमारी है पी सी ओ डी है आयरन की डेफिशेंसी है बी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उनको भी करेक्ट करना आवश्यक है अब अपन बात करते हैं मिनोक्सिडिल की जो आज आज का अपना टॉपिक है मिनोक्सिडिल क्या करता है मिनोक्सिडिल बेसिकली क्या थी ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है ये ऐसा मैंने क्यों कहा मिनोक्सिडिल बालों के लिए नहीं आई थी मिनोक्सिडिल आई थी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हाइपरटेंशन के पेशेंट को मिनोक्सडिल टैबलेट दी जाती थी और उस टैबलेट को जो मरीज लेते थे उनमें पाया गया है कि उनके शरीर पे बाल भी उग रहे हैं और उनके बाल सिर के बेहतर हो गए जब ये फाइंडिंग मिली तो इस पर रिसर्च हुई और ये पाया गया है कि मिनोक्सीडिल से एंडोजेनेटिक एलोपेशा बालों के थिनिंग को गंजेपन को नॉट एक्जैक्टली गंजेपन को जो गंजे हो रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं तो क्या मैकेनिज़्म होती है इसमें इसमें जो खून ये सर्कुलेशन को बढ़ाता है और कई प्रकार के मैकेनिज़्म होते हैं जिसके कारण ये बालों को आपके बालों को झड़ने को कंट्रोल करता है और पतलेपन को कंट्रोल करता है अब इफ़ेक्ट ऑफ ए में इसमें कैसे करता है एक क्या होता है जब बाल झड़ते हैं तो वो एक टिलोजन फेज में जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं मिनोक्सिडिल क्या करता है अर्ली टर्मिनेशन ऑफ टीलोजन कर देता है मतलब जो बाल झड़ने का समय है उस जो मान लो दस दिन में झड़ते थे तो उसको जल्दी झड़ा देता है और अर्ली स्टार्ट ऑफ एनाजन कर दे और वो बाल जल्दी से एनाजन में चले जाते हैं एनाजन क्या है बालों के बढ़ने का जो प्रोसेस होता है उसे एनाजन बोलते हैं उसके अंदर वो चला जाता है तो उसे एनाजन बोलते हैं तो कंट्रोल ऑफ थिकनेस ऑफ हेयर करता है ये बालों की मोटाई को कंट्रोल करता है एंड मेक्स थिन हेयर थिकर डज नॉट ग्रो हेयर न्यू अब ये भी इम्पॉर्टेंट समझना है कि मीनाक्सडिल से नए बाल नहीं पैदा होते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ ले कि कई बार हमको लगता है कि भाई मीनाक्सडिल लेने से मेरे गंजेपन का इलाज हुआ नहीं गंजा होने से रोकने का इलाज है पतले बालों को अच्छा करने का इलाज है और कब तो इसको कंटिन्यूस लगाएंगे तब इसका रिजल्ट आता है ये महत्वपूर्ण है समझना अब आता है कि भाई इसके साइड इफेक्ट क्या है मिनॉक्स के साइड इफेक्ट ऐसा माना जाता है कि इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो है कि ये आप यदि फेस पे गिर जाता है तो चेहरे पे बाल टेम्परेली उग सकते हैं तब तक रहेंगे जब तक आप लगा रहे हैं और यदि चेहरे पे लगना बंद हो जाता है तो वो कंट्रोल हो जाएंगे वापस रिवर्सल हो जाएगा दूसरा किसी को एलर्जी हो सकती है एलर्जी में मेनली जो कारण होता है वो मेन कारण होता है इसके अंदर आइसो ग्लाइकोल होता है इसका जो मीडियम होता है एल्कोहल जो होती है उसके कारण इरिटेशन हो सकता है फिर कुछ लोगों को डर्माटाइटिस हो सकती है एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है रैशेस हो सकते हैं दाने पड़ सकते हैं यदि इसको लगाने से आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को सूचित करिएगा और तुरंत प्रभाव से इसको बंद कर दीजिएगा अब इसको किस किस परिस्थितियों में नहीं देना होता है ये सबसे महत्वपूर्ण है कि मिनोक्सिडिल जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको नहीं दी जानी चाहिए दूसरा जो महिलाएं लैक्टेटिंग है मतलब अपने बच्चों को दूध पिला रही है उन महिलाओं को भी मिनोक्सीडिल नहीं लगानी चाहिए बाकी ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट इसका नहीं है अब इसका डोज कैसे और कैसे कैसे लगाते हैं फीमेल में टू परसेंट मिनोक्सीडिल मॉर्निंग और इवनिंग मीन ट्वाइस ए डे एडवाइस की गई है पुरुषों में फाइव परसेंट एडवाइस की गई है सुबह और शाम मतलब सुबह नहाने के बाद में और रात्रि को सोने से पहले आपको स्कैल्प पे लगाना है चमड़ी पे लगाना है मतलब यहाँ पर न कि बालों पे अब चमड़ी पे लगने के दौरान जो बालों पे लग जाती है वो लग जाए लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है हमको मेनली स्के पे लगाना है स्किन पे लगाना है क्योंकि ये कहाँ काम करती है जड़ों में काम करती है हेयर शाफ्ट पे काम नहीं करती है <coughs> और जब आप लगाएं तब आपका जो स्कैल्प पर ड्राई होना चाहिए तो यदि हम कहें तो हम ये कहेंगे कि मिनोक्सडिल को डे लगाना चाहिए और ड्राई पर लगाना चाहिए और स्कैल्प पर लगाना चाहिए अब आता है कि इस इरॉरल मिनॉक्सडिल कई फॉर्म में आती है सॉल्यूशन की फॉर्म में आती है फोम की फॉर्म में आती है जेल की फॉर्म में आती है इसमें से आप जो आपको है आप लगा सकते हैं मेरी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है ड्रॉपर से आप ड्रॉपर को एक एम भरिएगा बेहतर तो है कि आधा एम पहले भरिएगा और चमड़ी पे ले जाइए ड्रॉपर के टिप को और चमड़ी पे ले जाके एक बूंद छोड़िए फिर दूसरे ये में एक बूंद छोड़िए फिर इधर छोड़िए और उसको रब कर लीजिएगा आई फील पर्सनली हो सकता है आप कन्विंस ना हो बट आई फील ड्रॉपर इज़ बेटर देन द स्प्रे फोम यस फोम में एलर्जिक रिएक्शन कम होती है और फोम इज ए अनादर गुड टाइप ऑफ मिनो ऑक्सीडिल मीन्स उसके अंदर फॉर्म ऑफ मिनो अपन कहेंगे जैसे सॉल्यूशन हो गया जेल हो गया और फोम हो गया लेकिन फोम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है बहुत सारी कंपनियों ने बनाया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं और अभी हम देख लें कि रेनबैक सी का भी शायद आना बंद हो गया है वो अवेलेबल नहीं है सो स्टेबिलिटी ऑफ द फोम इज इज ए डाउटफुल सो इट्स बेटर यू यूज सॉल्यूशन देन इसको लगाते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कब तक लगाना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है अक्सर जो लोग मिनॉक्सिल लगाना शुरू करते हैं उनको क्या लगता है कि हम लगाना शुरू कर दें और इफ़ेक्ट आ जाएगा जैसे हमने पैरासीटामोल की गोली खाई क्रोसिन की गोली खाई या दर्द की गोली कोई खाई अल्ट्रासेट खाई या डायनापार खाई और हमारा दर्द आधा एक घंटे में कम हो जाता है या ठीक हो जाता है ऐसे ही आप मीनाक्सरिल के साथ में बिल्कुल ना सोचे मिनोक्सरिल जब आप कंटिनसली चार महीने तक लगाते हैं तब इसका रिज़ल्ट आना शुरू होता है बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि साहब हमने आप कभी लगा लेते कभी नहीं लगाते कभी बंद कर देते हैं तो आपको मैं बता दूं इससे तो बेहतर आप ना लगाएं मिनॉक्सल तभी लगाएं जब आप इसको रेगुलरली अप्लाई कर सकते हैं ट्वाइस ए डे कई बार आदमी ट्वाइस ए डे नहीं लगा पाता है तो लगाता ही नहीं है तो इससे तो बेहतर यदि आप लगाते है नहीं है तो एटलीस्ट वन से डे रात को आप अच्छी तरह से एक एम आराम से अच्छे से टाइम दे के प्रॉपरली आप उसको स्केल पे पूरे वॉल्ट के ऊपर टॉप पे आप लगाइएगा ड्रॉपर से अब आता है अक्सर ये कहते हैं कि भाई मिनो हम लगाते रहते हैं तो हम इसके आदि हो जाएंगे और हम बंद कर देंगे तो ज़्यादा बाल गिरेंगे इसमें कुछ बात सच है कुछ बात गलत समझी गई है सच क्या यस जिस रोज आप मिनोक्सिडिल इफेक्ट मिनॉक्सिडिल लगाना बंद कर देंगे उस रोज से आपके मिनोक्सील के जो एडवांटेजेस है वो बंद हो जाएंगे मतलब मैं इसको ऐसे कहता हूं कि जो साइड इफेक्ट खाने के हैं भोजन के हैं वो ही साइड इफेक्ट आपके मिनोक्सिडिल के अब भोजन का क्या साइड इफेक्ट है हम तीन बार खाना खाते हैं बीस साल से आप खाना खा रहे हो आज सुबह भी खाया था शाम को मत खाओ खाना भूख लगेगी और आप शाम से खाना खाना बंद ही कर दो तो धीरे धीरे वजन कम हो जाएगा दो तीन चार महीने में हो सकता है आप डेथ भी हो जाए तो मिनॉक्सडिल जब भी आप बंद कर देंगे उस रोज से उसका फ़ायदा होना बंद हो जाएगा क्या क्या फ़ायदे हो रहे थे बालों का झड़ना कम कम हो गया था बालों का पतलापन ठीक हो गया था बाल मोटे होने लग गए थे तो उसका फ़ायदा होना बंद हो जाएगा ये इसका साइड इफ़ेक्ट है और इसको आपको लगाते रहना है अब आता है हाउ टू अप्लाई दिस सॉल्यूशन जेल स्प्रे और फोम जैसे मैंने आपको कहा तीन चार फॉर्म में आता है ड्रॉपर मैंने कहा बेटर है वन एम आपको लगाना होता है और आई फील ड्रॉपर इज बेटर देन दिस तो मैं सोचता हूं कि मिनोक्सडल का यदि हम मैं वापस एक बार शॉर्ट में आपको समराइज करूं तो फाइव परसेंट पुरुषों के लिए ट्वाइस अ डे महिलाओं के लिए टू परसेंट ट्वाइस एडे या फाइव परसेंट वन से डे लगाया जाता है इसका इफ़ेक्ट चार महीने में आता है जब भी आप इसको लगाना बंद कर देंगे इसका फ़ायदा होना बंद हो जाएगा और प्रेग्नेंट लेडीज़ को और जो लेडीज़ बच्चे को दूध पिला रही है उनको मिनोक्सिडिल काम में नहीं लेना चाहिए अब आता है फिनास्ट्राइड फिनास्ट्राइड ये पुरुषों को दी जाती है ये हार्मोन को ख़त्म नहीं करती है मैं एक बार सबसे पहले बोल देता हूँ ये एंटी एंड्रोजन नहीं है और ये स्टेराइड भी नहीं है सब लोग इसको स्टेराइड मानते हैं एंटी एंड्रोजन मानते हैं जो कि नहीं है अब आता है कि फिनेस्ट्राइड इज़ नॉट एन एंटी एंड्रोजन जैसा मैंने कहा और ये क्या करती है ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है फाइव एल्फा रिडक्टेस का अब मैं आपको इसमें बताता हूँ क्या होता है क्या होता है टेस्टोस्ट्रोन जो हार्मोन होता है वो डीएचटी में कन्वर्ट होता है और डीएचटी बालों की जड़ पे जाके उसको पतलेपन का मींस उसको नेगेटिव सिग्नल देता है पॉपटोसिस का जिसमें जो जर्मिनल मैट्रिक्स होती है उसकी जो जिसमें जहाँ पर उनकी कोशिकाएं होती है जो बाल को बनाती है बालों की थिकनेस को बनाती है डर्मल पैपिली जिसे कहा जाता है मीनस आप ये समझ सकते हैं फैक्ट्री जड़ मतलब बाल की फैक्ट्री और उस फैक्ट्री में खूब सारी कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं बाल को बनाती है यदि मान लो 100 कोशिकाएं हैं और वो एक एम एक एम मोटा बाल बनाती है तो डी क्या करेगा जेनेटिकली प्री हेयर फॉलिकल की सेल्स के अमाउंट को कम कर देगा मान मतलब लो उसको 90 परसेंट कर दिया 10 परसेंट सेल्स की अपॉप्टोसिस हो गई मर गई तो आपको जो एक एम mm का बाल बना रही थी सौ जड़ें वो नाइन्टी हो गई सौ कोशिकाएं टेन परसेंट कम हो गई तो बाल की मोटाई भी कम हो जाएगी इससे बोलते हैं थिनिंग ऑफ हेयर फिर ये कोशिकाएं मरती जाती मरती जाती और बाल छोटा छोटा पतला पतला होता जाता जिसे है जिससे कि मिनिचराइजेशन बोलते हैं अब ये जो टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी का जो कन्वर्जन है उसको फिनेस्ट्राइड रोक देती है सेवेंटी परसेंट ये रोक देती है फाइव टाइप एडक्टू को सेवन को कंट्रोल कर देती मतलब क्या करती है ये टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी नहीं बनने देती और डीएचटी ही हेयर फॉलिकल पे अटैक कर सकता है टेस्टोस्टेरोन डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता अक्सर ये कहते हैं कि इसको लेने से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा नहीं टेस्टोस्टेरोन कम नहीं होता है बल्कि वो तो फिजियोलॉजिकल रेंज में बढ़ता है क्योंकि एक्स अमाउंट ऑफ टेस्टोस्ट्रोन जो डीएचटी में कन्वर्ट होना था वो रुक गया इसलिए क्या क्या करती है 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 को DHT में कन्वर्ट करने से रोकती है। और क्या करता है? बालों को पतला करता है या मारता अपन ऐसा बोल सकते मोटा मोटा अब आता है इसका डोज क्या होता है इसकी काफी सारी स्टडी की गई है वन मिलीग्राम एवरी डे दिया जाता है इसका इफेक्ट कब आना शुरू होता है छह महीने के बाद में इफेक्ट आना शुरू होता है और इस ये गोली हमारे खून के अंदर छः से आठ घंटे ही रहती है यदि आप इसको बंद कर देते तो, तो इसका इफेक्ट जल्दी चला जाता है ये एडवांटेज क्या करती है बालों के पतलेपन को रोकती है बालों को मोटा बनाती है अब ये इसके फिनेस्ट्राइड के एडवांटेज है कि क्या क्या करती है कितने दिन के अंदर करती है अब इसके जो साइड इफेक्ट्स है ये आपकी फर्टिलिटी को कम नहीं करती आपके स्पर्म को कम नहीं करती स्पर्म की मार्फोलॉजी को कम नहीं करती लेकिन इसका जो मेन साइड इफेक्ट है जिससे सब डरते हैं सेक्स के डिजायर को कम करती है ये इसके कारण सब करते हैं वो टेम्परेरी है तो ये गोली आप को डॉक्टर से इसके लिए पूछना चाहिए लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है काफ़ी लोगों को साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आ जाता है तो ये परसेंटेज है कि किनको कितने कितने परसेंट लोगों में सेक्स की 1.3% लोगों में डिक्रीज लिमिट हो जाती है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन 0.7% लोगों को हो जाता है, इजैक्युलेशन डिसऑर्डर 0.7% को होता है, डिजी डिक्रीज इजैक्युलेटरी वॉल्यूम 0.4% लोगों को होता है, ओवरऑल इसका साइड इफेक्ट हम कहेंगे तो 2-3% लोगों को होता है। अब आता है पोस्फरस्टाइड सिंड्रोम ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कई लोगों को फिनेस्ट्राइड बंद करने के बाद में भी उसके साइड इफ़ेक्ट महसूस किए जा सकते हैं ये कंट्रोवर्शियल इफेक्ट साइड इफ़ेक्ट्स में क्या क्या बताया है? जैसे इसके किसी को एक्सपोलिटिव डर्माटाइटिस होती है पेरियोरल नमनेस हो सकती है स्वेलेंस है अब आप देखिएगा कि हमारे फूड सप्लीमेंट के रिजल्ट हैं ये ये मिनोक्सीडिल और उसके फिनेस्ट्राइड के रिजल्ट हैं इतने अच्छा है देखिए पतले पतले बाल हैं ये मोटे हो गए हैं ये फीमेल के अंदर मिनॉक्सीडल के रिजल्ट हैं फीमेल में मिनॉक्सीडल पीआरपी के रिजल्ट हैं ये पुरुष के अंदर है मिनोक्सीडल और फिनेस्ट्राइड के रिजल्ट आप देख रहे हैं ये अगेन ये मिनॉक्सीडल के रिजल्ट है मिनोक्सीडल लगाने से जो रिजल्ट आए आप देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं मिनोक्सीडल फिनेस्ट्राइड से सिर्फ मेडिसिन से इतना इम्प्रूवमेंट हो जाता है ये अगेन मेडिसिन के इस बच्ची को आयरन की सीवियर डेफिशिएंसी थी फ्रेटिन की डेफिशिएंसी फ्रेटिन का हमने करेक्शन किया दिए एंड नाउ यू सी फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड हेयर टू हेयर इज ए वंडरफुल रिजल्ट सो दीज आर द रिजल्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फिनेस्टाइड एंड मिनोक्सिडिल इन द मेल एंड मिनोक्सिडिल सोल्यूशन इन द फीमेल एंड करेक्शन ऑफ द वाइटामिन दिस ऑल द रिजल्ट ऑफ मेडिसिन नॉट ऑफ द ट्रांसप्लांट तो ये आपने देखा कि इस तरीके से मिनॉक्सीडल और फिनेस्टाइड पुरुषों के लिए एक रामबाण दवा है उनके बालों के इलाज के लिए एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए लेकिन इन दवाओं का एडवांटेज तब तक होता है जब तक आप उनका उपयोग कर रहे होते हैं जिस रोज़ आप इनका उपयोग बंद कर देंगे फ़ायदा होना बंद हो जाएगा नुकसान नहीं होएगा फ़ायदा होना बंद हो जाएगा नंबर वन नंबर टू इनका इफेक्ट तुरंत नहीं आता टाइम लगता है इनका इफेक्ट आने में तो आपको सब्र रखना पड़ेगा एकदम और क्या इफेक्ट आता है गंजेपन के इलाज के लिए नहीं है बालों के पतलेपन के लिए है बालों को झड़ने से कंट्रोल करने के लिए इनको लेने के बावजूद भी आप ये ना सोचे कि आपका एक भी बाल नहीं गिरेगा कुछ बालों का प्रतिदिन गिरना नॉर्मल होता है तो मैं सोचता हूं कि आज आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप हमारे को क्वेश्चन लिख सकते हैं काफी लोगों ने हमें क्वेश्चन लिखे हैं उनका मैं जवाब देता हूँ आपको हाँ कोई बात नहीं कैन यू वाश हा वी डिस्क क्या एलोवेरा गुड फॉर द हेल्प कौशिक कुमार जी नमस्कार थैंक यू आपने क्वेश्चन पूछा एलोवेरा जो है आप लगा सकते हैं डेंड्राफ में भी कंट्रोल करता है और हेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है पी पार्थ जी है ये जो ये कैन वी टेक फिनेस्ट्राइड ड्यूरिंग द फैमिली प्लानिंग यस यू कैन टेक द इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट बट फर्स्ट टाइमस्टर में मैं कहूँगा कि आप अवॉइड कर सकते हैं आल दो इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है बट फॉर कॉशंस यू कैन अवॉइड फिर मिस्टर सिंह है चित्रंजन जी सिंह वो बोलते हैं सर दो मिलीग्राम वीकली फिनेस्ट्राइड का क्या इफेक्ट कितना यस yes. मैं जैसे फिनेस्ट्राइड आपको सप्ताह में दो ही बार देता हूँ वन मिलीग्राम वीक स्टडीज है वो ये बताती है कि पॉइंट टू मिलीग्राम ऑफ फिनेस्ट्राइड इज आल्सो इफेक्टिव नो मैटर द इफेक्ट मे बी लेस बट साइड इफेक्ट आर नेग्लिजिबल क्योंकि फिनेस्टाइड के साइड इफेक्ट हैं और डोज डिपेंडेंट है फिर श्याम कुमार जी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या मैं मीनाक्सडिल लगाता हूं तो उसका साइड इफेक्ट बंद हो जात फिनेस्टाइड मिनोक्सडिल लगाने से मेरे बालों में डेंड्राफ बढ़ गया है तो मैं आपको बताऊं कि मिनोक्सिडिल से डेंड्राफ नहीं बढ़ता है कई बार मिनोक्सरिल का साल्ट है जो आपके सिर पे जमा हो जाता है एक्स्ट्रा तो आप उसको झाड़ लीजिएगा और निकल जाएगा प्रवीण अग्रवाल जी पूछते हैं डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल क्या स्विमिंग में बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं तो प्रवीण जी डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊंगा कि आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्विमिंग से बाल कमजोर नहीं होते हैं लेकिन हमारा जो स्विमिंग पूल होता है उसमें क्लोरीन ज़्यादा डाल देते हैं लोग यदि क्लोरीन ज़्यादा डाल दी गई है तो वो बालों के लिए हार्मफुल हो सकती है दूसरा यदि हार्ड वाटर है रेगुलरली आप उसके अंदर करते हैं उसको शैम्पू बाद में क्लीनिंग नहीं करते तो हेयर है ना ड्राई और ब्रिटल हो जाएंगे तो अब इसको आप कैसे बचाएंगे तो मैं हमेशा स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको हर हालत में कैप लगानी चाहिए स्विमिंग कैप लगानी चाहिए या फिर जब आप स्विमिंग पूल में उतरते हैं तो आप उसको अच्छे से ऑयल लगा लीजिएगा दूसरा नहाने के बाद में स्विमिंग पूल से जब आप निकल जाते हैं उसके बाद में आपको शैंपू और कंडीशनर का उपयोग करना चाहिए फिर केदार जगताप जी पूछते हैं सर कंटिन्यूस फेनेस्ट्राइड टैबलेट लेने से किडनी पर नहीं किडनी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है जगताप जी अरविंद जी नमस्कार आपने क्वेश्चन पूछा है मिनोक्साडिल बंद करने के बाद अधिक फॉल होता है ये yeah क्वेश्चन मैंने आपको उसमें भी बताया कि मिनोक्सरिल यदि आप बंद कर देंगे तो उसका फायदा होना बंद हो जाएगा तो आप ज्यादा कैसे कहलाता है कि आपने आज बाल आज आप आज तक आप मिनॉक्सिल लगा रहे थे तो बालों का झड़ना बहुत कम हो गया था लेकिन जब मिनॉक्सिल बंद कर देंगे तो उसका फायदा होना बंद हो जाएगा तो जितने बाल पहले मिनॉक्सरे लगाने के पहले झड़ रहे थे उतने बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे लेकिन वो कल तक जब मीनोक्सिल लगा रहे उसके कंपेरिजन में ज्यादा लगते हैं इसलिए हमेशा वो सब लोग बोलते हैं कि मीनोक्स लगाते ही, बाल ज्यादा झड़ते हैं जबकि रॉन्ग इंप्रेशन है थैंक यू प्रवीण जी आपके अच्छा क्वेश्चन के लिए और आपके धन्यवाद के लिए शुक्रिया आपका और भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं तो मैं दर्शकों को बोलता हूं कि बाद में भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते क्या मिनोक्सिडिल के साथ विटामिन भी लेना चाहिए यस मिनोक्सिडिल के साथ में यदि आपकी वाइटामिन डेफिशेंसी है उसके लिए फूड सप्लीमेंट लेने चाहिए मैं अपने सारे पेशेंट को फूड सप्लीमेंट देता हूं उसका कारण क्या है कि आज जो हमारा भोजन है वो बहुत कमज़ोर है उसके अंदर पेस्टिसाइड ज़्यादा है वाइटाम्स कम है जब ऐसा होता है तो हम और जो हमारे बाल है उनका नंबर सबसे लास्ट में आता है सप्लाई चेन में तो बालों को मिलता ही नहीं है तो ऐसे में हमको विटामिन सप्लीमेंट लेने चाहिए और अक्सर मैं विटामिन विटामिन टेस्ट करवाता हूं। विटाम 12, विटामिन डी और फीमेल में फ्रेटिन भी करवाता हूं उसके हिसाब से देता हूं थैंक यू केतार जी आपके धन्यवाद के लिए तो नमस्कार थैंक यू अच्छा और क्वेश्चन है ठीक है कौन तुषार जी कहाँ फिनेस्ट्राइड का रिजल्ट कब तक आने लगेगा <coughs> मैं कंटिन्यूस ले रहा हूँ फिनेस्ट्राइड का इफेक्ट छः महीने बाद आना शुरू होता है और हम इसको एक साल तक असेस करते हैं तो यदि आप ले रहे हैं तो आप कंटिन्यूस लेते रहें फिर सुमित जी का क्वेश्चन है मिनोक्सिल के बाद बालों में रूखापन आ जाता है क्या करें नार ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है सुमित जी बहुत कॉमन क्वेश्चन है तो मैं आपको इसमें बताऊं कि मिनोक्सिल रूखापन आता है क्यों मिनॉक्सिल में अल्कोहल होता है अल्कोहल आपके बालों पे जो नेचुरल ऑयल होता है उसको हटा देता है तो बाल रूखे हो जाते हैं तो इसके लिए दो तरीके हैं यह तो आप सीरम लगा लें ले ये दूसरा आप जैसे आपने मिनोक्सिल लगाया उसके बाद में आप दो तीन बूंद पानी लीजिएगा दो तीन बूंद ऑयल लीजिएगा और उसको ऐसे कर लीजिएगा और बालों पे ऐसे ऊपर ऊपर फेर लीजिएगा मतलब ये ऑयल या सीरम इवन मॉइस्चराइजिंग लोशन भी मैं लगा लेता हूँ मैं खुद लगा लेता हूं आपको थोड़ा सा ऐसा करा और ऐसे ऐसे ऊपर लगा लिया तो वो जो नेचुरल ऑयल बालों पे लगा हुआ था जो मिनक्सीडिल के कारण हट गया वो आपके इसको लगाने से आपकी शाइनिंग आने लगती है और दूसरा हेयर कंडीशनर का उपयोग भी किया करें थैंक यू तो आप ये इस पर क्वेश्चन मुझे बाद में भी पूछ सकते हैं अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और आपके क्वेश्चन अच्छे थे हमारी चैनल में हम स्ट्रीमिंग करेंगे तो हम आपको सूचित करेंगे नए टॉपिक हम बाद में करेंगे जो फूड सप्लीमेंट में हम करेंगे जैसे हम पी आर पी है नेक्स्ट टॉपिक अपन पी, पी पे बात करेंगे कुछ दिनों बाद तो हम आपको सूचित करेंगे पीआरपी पी कैसे बनती है क्या काम हो करती है क्या रिजल्ट आते हैं इस सब के बारे में नेक्स्ट में आपके साथ पीआरपी पी पर डिस्कस करूंगा अच्छा और सौरभ जी सर मार्केट में एक आदिवासी, आदिवासी हेयर ऑयल आया है सौरभ <laughs> जी आदिवासी शहर के हिमालय से न जाने कैसे तेल आते रहते हैं आपके मन में आप उसका उपयोग कर लीजिए लेकिन मैं उसकी कोई भी आपको एडवाइज नहीं करूँगा आप चाहे तो लगा सकते आशु कुमार सर क्या 4,500 ग्राफ एक सेटिंग में लगा सकते हैं यस एक सेटिंग में 4,500 ग्राफ लगा सकते हैं हम दो दिन में लगाते हैं 5,000 ग्राफ 6,000 ग्राफ भी प्रायकर तीन हजार ग्राफ से ज़्यादा या साढ़े तीन हजार से ज़्यादा एक दिन में अवॉइड करने चाहिए हमारे सेंटर पे हम इसलिए लगा पाते हैं कि हमारे पास डबल टीम है मैं हूँ और डॉक्टर सीमा गर्ग है हम दोनों मिलके बालों की जड़ें निकालते हैं और लगाने वाली टीम भी हमारी डबल है तो हमारा ऑपरेटिंग टाइम आधा हो जाता है और काफ़ी सारी जड़ें तीस परसेंट जड़ें तो हमारी ग्राफ निकालने के दौरान ही लग जाती है तो हमारा ऑपरेटिव टाइम काफ़ी कम हो जाता है तो ये लगा सकते या नहीं लगा सकते ये सर्जन के एक्सपीरियंस उसके इंस्ट्रूमेंटेशन उसकी टीम पर डिपेंड करता है लेकिन आपको कभी भी सर्जन को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए क्या आप मेरे को तो एक दिन में चार हजार लगा दो साढ़े चार हजार लगा दो पांच सर्जन को पता है उसकी कैपेसिटी तो इसमें आप जल्दी मत करिएगा ठीक है थैंक यू नमस्कार जय हिंद फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉक प्यार पीपे